देखिए, हम रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, और क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो हम कर चुके हैं अच्छे से। अब रेजोनेंस को हम और ज़्यादा डेप्थ में उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे लिए फर्स्ट टाइप यानी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस होगा, हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, और उसके अंदर हमारे लिए फर्स्ट टाइप रहेगा क्या रहेगा, पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड रेजोनेंस, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। यानी हम बात करेंगे जब पाई बाई बॉन्ड वाले कार्बन कॉन्जुगेशन में हो। तो लिखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड कार्बन आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशंस, इन कॉन्जुगेशंस। शो रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहले ये बताइए कि कॉन्जुगेशन क्या है हमारे लिए, हमें कॉन्जुगेशन मालूम होना चाहिए। क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ, समझ में आ रहा है। क्या ये कॉन्जुगेशन है? अल्टरनेट पोजीशन, हाँ बिल्कुल। ये कॉन्जुगेशन है, हाँ। क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ। क्या ये कॉन्जुगेशन है? नहीं। क्यों? ये कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ। क्या ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इस तरह से भी sp3 हाइब्रिडाइज है और इस तरफ भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर बीच में एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही रेजोनेंस शो कर सकते हैं। पाई बॉन्ड होना चाहिए दोनों में है, बिल्कुल। ये कॉन्जुगेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्जुगेशन सिस्टम? तो आप समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन में, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पर की पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट पोजिशन, देन इट्स देन जनरेटेड सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्जुगेशंस एंड शो रेजोनेंस। तो ये तो हमारे लिए एक फर्स्ट पॉइंट हो गया पूरा। अब सेकंड पॉइंट कि रेजोनेंस होगा कैसे, मैकेनिज्म कैसे होगी, मैकेनिज्म ऑफ रेजोनेंस। हम मैकेनिज्म पे आते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, समझ में आना पक्का। तो हम ये समझते हैं कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में रेजोनेंस होगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास है पक्का। तो यहां हमने मान लिया कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरफ हो चुका है, तो यहां पर क्या हो गया? माइनस। और यहां पर क्या हो गया? प्लस। समझ में आ रही है? और यहां मैंने बिल्कुल इस तरह से रख दिया कि यहां पर मैंने क्या लगा दिया? प्लस। और यहां क्या लगा दिया? माइनस। यानी ये मैंने इस तरफ शो करा और ये वाला पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने इस तरफ डाल दिया, पक्का। तो आपके पास प्लस माइनस आ गया, तो आप इसको कैसे शो करेंगे? प्लस माइनस दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ये माइनस रह गया और यहां पर क्या है? प्लस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये मैकेनिज्म है इसकी, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा और ये फाइनल पोजिशन आ गई। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? अब इसको मैं इतना ज्यादा इंटरमीडिएट ना बता के मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ आया, ये वाला बॉन्ड इस तरफ चला गया, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो रेजोनेंस बना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं डबल साइडेड एरो से शो करता हूं, तो आपके पास क्या बनेगा? फाइनल कंपाउंड। ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो यहां पर क्या चार्ज आएगा? माइनस। और यहां क्या आएगा? प्लस। इज दैट क्लियर? तो आप अगर ज्यादा स्टेप में बताना चाहते हैं तो ये, कम स्टेप में बताना चाहते हैं ये, समझ में आ रहा है। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा, हाँ। उल्टा पॉसिबल का मतलब क्या? ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये वाला इस तरफ चल जाए,
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हम हमेशा जब मूवमेंट दिखाते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही बताते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह का रेजोनेंस होगा, आप खुद ही देखिए। इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ गया है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो फाइनल ये मैकेनिज्म हो गई आपके पास। तो रिजल्ट्स क्या क्या रहेगा, रिजल्ट आप पहले ये उतारिए। अब रिजल्ट ये है हमारे पास, थर्ड पॉइंट हम इसका लिखेंगे रिजल्ट। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है, इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास है, एक ये एक ये। यहां प्लस माइनस एक तरफ इस तरह से आता है, एक तरफ माइनस प्लस इस तरफ आता है, पक्का। तो इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बोलो या सुनो। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, तीन, एक दो तीन, समझ में आ रहा है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, आर एस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर, थ्री। ये फर्स्ट रिजल्ट रहा इसका। और सेकंड, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड दोनों तीन जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन सबसे मिलकर जो बने वो हाइब्रिड कहलाता है। तो इसका हाइब्रिड ये होगा, कभी डबल बॉन्ड यहां पर है, कभी नहीं भी है, समझ में आ रहा है, कभी यहां पर सिंगल बॉन्ड है, कभी यहां पर डबल बॉन्ड है, या सुनो। तो ये क्या शो करोगे आप, इस तरह के हो डॉटेड से, यहां एक बार माइनस प्लस, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। यहां एक बार माइनस एक बार प्लस, यहां पर भी कितना होगा, जीरो। तो आपको चार्ज बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको हाइब्रिड ही बताएंगे ऐसे, इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, पक्का। किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, पहले भी जीरो था। सी रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, जो मेन कंपाउंड आपको दिया था वो ध्यान से सुनना, जहां डबल बॉन्ड था वहां पर रेजोनेंस की वजह से क्या आया, सिंगल, और जहां सिंगल था वहां क्या आया, डबल। तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल की तरह मूव कर रहा है और सिंगल डबल की, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आया, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट डबल बॉन्ड मूव्स टू सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड मूव्स टू डबल बॉन्ड, इससे क्या चेंजेज हुआ, बहुत चेंजेज हुआ। बेनिफिट क्या हुआ आपको, आपको यह बेनिफिट हुआ कि डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, यानी चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट ये है, डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल डबल, यानी ड्यू टू, फाइनली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। भाई आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई है, पहले से ज्यादा हो गई है, यह आपको यह बेनिफिट हुआ है, मोर रेजोनेंस, मोर चार्ज ट्रांसफर, मोर स्टेबिलिटी, इज दैट क्लियर। तो हम यहां पर पॉइंट भी लिख सकते हैं, मोर रेजोनेंस, मोर चांस, मोर चार्ज ट्रांसफर, मोर स्टेबिलिटी, ये हमारे पास और बेनिफिट हुआ है।
हमारे पास है, रिजल्ट्स हमारे पास ए बी सी आ गए और प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया, फोर्थ नंबर। समझ में आ रहा है? फिफ्थ, बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क हुआ? इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ आपको क्या देखने को मिलेगी इस जगह? देखिए, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल आया, जहां डबल है वहां सिंगल है, तो डबल बॉन्ड वाले की तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो पहले तो ये चीज लिखी है यहां पर, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल वन अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो आप खुद ही बताइए बॉन्ड ऑर्डर पे क्या डबल बॉन्ड जहां पर है वो किस में चेंज होगा? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में होगा तो इससे बॉन्ड लेंथ क्या होगी वहां पर? इंक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ रहा है, उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास? डिक्रीजेस। लिखे इसको, तो आपको बहुत इजी वे बता रहा हूं, यहां एक्स है यहां वाई है मान लीजिए, समझ में आ रहा है, और यहां एक्स डैश है यहां वाई डैश है रेजोनेंस की वजह से। समझ में आ रहा है? तो अब आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आप मेरे को बता सकते हैं एक और पॉइंट, एक्स और एक्स डैश में कौन बड़ा होगा? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक्स डैश सिंगल तो नहीं आ रहा, बीच का हो रहा है डबल और सिंगल में। समझ में आ रहा है? तो एक्स डैश, जबकि वाई और वाई डैश में क्या होगा? वाई बड़ा होगा, पहले सिंगल था अब क्या हो गया? वो डबल की तरफ मूव कर रहा है। तो एक और चीज हम बोलते हैं कि सिंगल डबल में चेंज हो रहा है, डबल सिंगल में चेंज हो रहा है, ये लैंग्वेज तो सिर्फ समझाने के लिए अच्छी है। हो ये रहा है कि यहां डबल था, यहां पर यहां डबल था, यहां डबल से वो सिंगल की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जनरेट का मतलब हो गया सिंगल नहीं हुआ है लेकिन सिंगल की तरफ मूव कर गया वो। और यहां क्या बोलेंगे? डीबीसी जनरेट, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट। तो यहां पर आपका एक और रिजल्ट आएगा हाइब्रिड की वजह से, डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट। समझ में आ रहा है? जो सिंगल था वो डबल में चेंज हो गया, और यहां क्या हो रहा है? जो डबल था वो किस में चेंज हो रहा है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट, ये और अच्छा है, क्योंकि एग्जैक्ट डबल सिंगल में नहीं चेंज हुआ है, सिंगल डबल में नहीं चेंज हुआ है, बस मूव करा है। कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। लिखें इसको, क्या हम और भी हाइब्रिड बना सकते हैं इसे? हाँ, अलग अलग कंडीशंस में। तो चलिए कुछ और मेहनत करते हुए हाइब्रिड बनाते हैं। हटा दूं मैं? तो रेजोनेंस हमने एक सिस्टम पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी कारण जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो पढ़ी हमने, उसके अलावा हमारे पास उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो हमने पढ़े, उस प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो हमने करा, स्टेबिलिटी पर कमेंट करा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको धीरे धीरे आगे मैं बताता जाऊँगा। तो हम पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड पढ़ रहे हैं और हमें बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। तो एक और सिस्टम हम बनाते हैं, सेकंड एग्जांपल, ये हमारे पास इस तरह का है। तो अगर हमसे कहा जाए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब हम बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं बना के सिंपल बनाएंगे, ये वाला इस तरफ गया, ये वाला इस तरफ गया, मोमेंट पक्का। तो इसका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये इस तरफ गया है तो इसको प्लस मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा? यहां गया इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इधर गया है तो ये वाले का लॉस हुआ है, इसको क्या मिला? प्लस। इस वाले कार्बन को तो कुछ भी नहीं, पहले इधर बना था अब इधर बन रहा है, और ये इस तरफ गया
तो इसको क्या मिलेगा, माइनस, ये अभी एज इट इज है पक्का। क्या आगे भी रेजोनेंस होगा? हाँ, आगे ऐसे होगा, ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से एरो बनाता हूं। क्या आगे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा? हाँ। कैसे? अब ये वाला एक तरह से जब भी कार्बन पे माइनस है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, लोन पेयर है। वो इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, सही है। वो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पाई में चेंज हो गए और ये इस तरफ चेंज हो गया। आपको मालूम है वो पाई में वो दो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मेट में थे? यहां दो इलेक्ट्रॉन थे, कहीं पे भी शो कर दे, ऊपर नीचे, एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो वो इस तरफ आए और उसी समय ये इस तरफ चला गया। तो आपका फाइनल ये क्या चेंज हुआ, इस तरह से यहां प्लस था, यहां डबल बॉन्ड था, अब एक यहां पर बन गया और इसकी वजह से यहां माइनस हो गया। कोई डाउट? क्या ये जो मूवमेंट हुआ है यहां से भी तो शुरू कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, उल्टी डायरेक्शन में करें अपन, यहां से शुरू करते हैं। कैसे करें? ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तब आपके पास यहां जब आप शो करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी आपको? इसको प्रॉफिट हुआ है माइनस और यहां पर प्लस, फिर यहां पर भी एक पाई बॉन्ड बन चुका है, फिर उसके बाद ये वाला इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, तो हमारे को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां प्लस और यहां माइनस। तो ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी है, 1 2 3 4 5, ये तो वही है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, आर एस कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 5 है। पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड क्या बनेगा इसका, हाइब्रिड डॉटेड, हर जगह डॉटेड चलेगा। प्लस माइनस कहां लगाए, हर जगह प्लस माइनस बराबर आ रहा है, कभी यहां प्लस है तो कभी यहां पर माइनस है, तो कुल मिला के नेट चार्ज कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, नेट चार्ज हर जगह जीरो है, ये हाइब्रिड हो गया। समझ में आ रही है बात? रिजल्ट्स क्या रहेगा, मान लीजिए यहां बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये वाई है, ये क्या हो जाएगी एक्स, ये हो जाएगी वाई, ये हो जाएगी एक्स। डबल बॉन्ड वालों को एक्स मान लिया और सिंगल बॉन्ड वालों को क्या मान लिया, वाई, सही है। अब यहां मैंने एक्स वाई एक्स, अब तो ये सब क्या होता है, एक्स वाई एक्स, लेकिन डैश। तो आप मुझे बताओ कि एक्स और एक्स डैश में क्या अंतर है और वाई डैश में क्या अंतर है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वहां डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, एक्स डैश में अब वो नहीं है, बात जो पहले हुआ करती थी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। Y पहले प्योर सिंगल था, यहां पर डबल की तरफ मूव कर रहा है, ये रिजल्ट्स हो गए आपके। और दूसरा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ फर्स्ट, और एक और हो गया स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हाँ या ना, अच्छे से क्लियर है पक्का? तो ये हमने सेकंड एग्जांपल किया, कुछ और एग्जांपल पे प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेजोनेंस का, हटा दूं मैं ये,
थर्ड एग्जांपल हम और ले रहे हैं, देखिए ये हमारे पास एक और रेजोनेंस है, सही है, ये अलग तरह का रेजोनेंस हमने लिया है। क्या यहां पर ये कॉन्जुगेशन में? हाँ। क्या ये दोनों कॉन्जुगेशन में? हाँ। लेकिन क्या ये दोनों एक साथ दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में? नहीं, बीच में डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आना चाहिए था, समझ में आ रहा है? तो आप खुद बताइए, आपके पास तीन नाम है, मैंने तीनों नाम अलग अलग कर दिए, ए बी सी। ए बी कॉन्जुगेशन में, ए एंड बी आर इन कॉन्जुगेशन, और दूसरा अगर हम बात करें ए सी एंड बी आर इन कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन ए एंड सी आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो ये इस तरह से कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसको कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, ए और बी और सी, जब ए बी रेजोनेंस में, तो सी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, कैसे रहेगा ये? देखो पहले तो अपन इसको मूव करा है, ये इधर जाएगा, तो ये रेजोनेट्स कैसा रहेगा, ये यहां आया और यहां क्या हो जाएगा, बी, और इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या होगा, प्लस। अब ये इसके साथ नहीं कर सकता, सी के साथ, समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ समझाने के लिए पोजीशन थी, ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो यस और नो, अब क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते, आगे रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो ये वापस जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। बी माइनस, यहां पर जो माइनस चार्ज आया वापस इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको जाना ही पड़ेगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है आपकी। और अब आपके पास ये डबल बॉन्ड हुआ और ये वापस इस तरफ गया, ये हो गया, आ रही है बात समझ में? तो पहले ये आया फिर वापिस ये गया, अब क्या होगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, अब यहां माइनस आएगा, यहां क्या हो जाएगा, प्लस, समझ में आ रहा है? तो यहां हमारे पास अब क्या होगा, ये उस तरफ जा नहीं सकता, वापिस बैक टू पेवेलियन जाएगा, ये वापिस इस तरफ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक तरह से लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, ये इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड वापिस इधर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां हुआ था। तो कुल मिला के आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी, या सुनो, तो आपको क्या पता चला, इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट फर्स्ट, और रिजल्ट है फर्स्ट हाइब्रिड, आप खुद देख रहे हैं कि इसका जब हाइब्रिड बनेगा तो डॉटेड, कभी यहां कभी यहां, बोलो आपको हर जगह पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां पर, हाँ यहां पर भी दिखाई दिया था, कभी यहां पर भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है किसी ना किसी स्ट्रक्चर में, यहां पाई बॉन्ड कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा इस स्ट्रक्चर में, इज दैट क्लियर? और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी दिख रही है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, टोटल आर एस, देखिए एक तो ये है ही, दो वो तो वापिस वही बन गया, एक दो तीन, तीन ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? बाकी सब तो आइडेंटिकल हो गई, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहां पर कितनी दिखाई दे रही है, तीन।
कैसे करेगा आप बताइए, यहां पर माइनस है, समझ में आ रहा है? तो ये करेगा तो इधर ही करेगा, इस तरफ नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेगा, इस तरफ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये इस तरफ आएगा, समझना। तो ये वाली उसकी कॉन्जुगेशन वाली पोजिशन है, जा ही नहीं पा रहा वो। अरे बस ये यहां आता और ये कॉन्जुगेशन यहां की जगह यहां है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये नहीं कर पाएगा, जबकि ये वाला कॉन्जुगेशन में, तो ये कर जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा वापस, जिधर से आया था उधर ही जाएगा। तो एक और रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, फर्स्ट सेकंड इस तरह का रिजल्ट कि मुझे अगर एस मेरे किसी फ्रेंड के जाना है, एक्स और वाई दोनों के यहाँ जाना है, और दोनों, एक तो ये होता है कि पहले एक्स और फिर वाई एक ही रास्ते में रहते हैं, और एक होता है कि मेरे को एक्स के पास जाना है, वो इस तरफ रहता है और वाई इस तरफ रहता है, तो दिक्कत हो गई मेरे को, मुझे उसे के यहाँ कार देने जाना है, पहले एक्स की तरफ यूं जाऊंगा फिर वापस घर आऊंगा, बीच में अपनी तरफ और वापस यूं जाऊंगा, लेंथी पड़ गया। और एक होता है कि मैं यूं जाता सीधा और आ जाता एक ही राउंड में, तो जब एक ही राउंड में जाता सीधा तो उसको बोलते हैं सिक्वेंस और इसको बोलते हैं क्रॉस, यानी आप पहले यूं जाओ फिर वापस घर आओ और फिर वापस इस तरह जाओ, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, सिक्वेंस या क्रॉस? क्रॉस। तो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस रेजोनेंस। थर्ड अबव एग्जाम्पल इज क्रॉस रेजोनेंस, एग्जाम्पल इज ऑफ क्रॉस। एंड क्रॉस रेजोनेंस इज लेस इफेक्टिव, इफ क्रॉस रेजोनेंस इज लेस इफेक्टिव। क्रॉस रेजोनेंस इज लेस इफेक्टिव, हाँ या ना? बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आ रही है बात समझ में? लिखें इसको। देखिए बहुत इजी वे में मैं बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट, ये हमारे पास जो था रेजोनेंस, इसको देख रहे हैं और इस सिस्टम को देख रहे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं, सिंपल ही है, पक्का? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? हाँ, शो रेजोनेंस। क्या ये करेगा? यस, शो रेजोनेंस, पक्का। ये तो हमारे पास पॉइंट है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, यानी कंपेयर करना है, कंपेयर फॉलोइंग। सेकंड, इसमें जो रेजोनेंस का टाइप होगा वो कौन सा होगा? सिक्वेंस रेजोनेंस टाइप, सीक्वेंस रेजोनेंस टाइप। और ये कौन सा हो जाएगा? क्रॉस रेजोनेंस टाइप हो जाएगा, समझ में आएगा? थर्ड, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, सीक्वेंस या क्रॉस? सीक्वेंस मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, शो मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। यहां क्या रहेगा? लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। फोर्थ, अगर ये मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है तो रेजोन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ज्यादा होगा, मोर इफेक्टिव कंपाउंड, मोर स्टेबल कंपाउंड। फोर्थ, लेस स्टेबल कंपाउंड, ये कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें कहीं ना कहीं रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, यहां क्या रहेगा? लेस वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, पक्का। इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी वो आप पहले ही बना चुके हो, तो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कंपेयर बना सकते हो, शो रेजोनेंस इफेक्ट और इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो आप डॉटेड 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 इस तरह से बनाओगे, जबकि इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो
तो आपको डॉटेड 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 और इस तरह से बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड इंडिविजुअली इसके साथ है, इंडिविजुअली इसके साथ है, जबकि ये पाई बॉन्ड इसके साथ एक साथ दोनों के साथ है। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों पाई एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में? नहीं, नहीं है। आप बताओ क्या ये दो पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में? हाँ। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां एक्स है बॉन्ड लेंथ और यहां पर आपके पास एक्स है, एक्स डैश है हाइब्रिड के अंदर, सॉरी हाइब्रिड की ही बात कर रहा हूं मैं, तो एक्स और ये एक्स डैश, तो बताइए डीबीसी करेक्टर कहां ज्यादा होगा? यहां ज्यादा होगा क्योंकि यहां रेजोनेंस लेस इफेक्टिव है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब आप बताइए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो अभी भी ये क्या बना रहेगा? डबल बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो एक और है एक्स और एक्स डैश में कौन कम रहेगा? एक्स डैश। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और अगर ये वाई है और ये वाई है तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में ज्यादा चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ज्यादा चेंज हुआ है, तो y और y डैश में y कम होगा। ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में ज्यादा चेंज हुआ है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम होगी। ज्यादा चेंज हुआ है, ज्यादा रेजोनेंस हुआ है, ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हुआ है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? मतलब हमने पहले जो कंपेयर कर रहे थे वो एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग रेजोन, दो अलग अलग बॉन्ड में कंपेयर कर रहे थे, अब दोनों अलग कंपाउंड है और उसमें कंपेयर कर रहे हैं हम। लिखे इसको। हाँ बोलो बेटा। ये वाला पॉइंट फिफ्थ, हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। भाई इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है तो एनर्जी ज्यादा लिबरेट करेगा। एनर्जी लिबरेट करते हैं जब भी कोई स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो एनर्जी लिबरेट करते हैं, तो वो ज्यादा एनर्जी जो लिबरेट करेगी वो मैग्नीट्यूड में बताते हैं। यहां पर रेजोनेंस एनर्जी हम किस में बताएंगे? मैग्नीट्यूड में। ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू होगी। यहां -10 है सपोज, और वहां पर क्या रहेगा? -7। मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? ये। तो एक ब्रैकेट में और लिख लीजिए, रेजोनेंस ऑलवेज कंपेयर इन मैग्नीट्यूड। और कोई डाउट? लिख लें इसको। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए हमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है इन सब की, तो हम किस तरह से बनाएंगे? इस पाई बॉन्ड को देखते हैं पहले, ये पाई बॉन्ड हम इस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और ये इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है? तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी? ये इस तरफ जा चुका है और ये यहां आ चुका है, ठीक है? तो जैसे यहां आएगा पक्का, उसी समय इसको यहां जाना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये यहां आ जाए, 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन है, 5 वैलेंसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो एक साथ ही घूमेगा, घूमेगा तो ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये यहां आ जाए और यहां पर इसको इस जगह माइनस चार्ज बना दो आप, सही है? तो कुल मिला के आप ये भी कर सकते हो कि ये यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, तो डायरेक्ट माइनस चार्ज लगा सकते हो आप, और उस कंडीशन में यहां पर प्लस और यहां पर क्या होगा? माइनस। और ये इस तरह से है, फिर ये वाला माइनस यानी कि लोन पेयर यहां आया, ये यहां गया, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी तैयार हो गई। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह से होगी, सही है? थर्ड, वापस बैक टू पैवेलियन होता हुआ वो वहां चला जाएगा, ठीक है?
तो यानी हम वहां पर पहुंच जाएंगे वापस, कहां पर, जहां से स्टार्ट हुए थे। सही है। अब अगला पॉइंट हमारा रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर भी पाई बॉन्ड है, क्या ऐसा हो सकता है यहां गलती हो रही है? ये पाई बॉन्ड हम यहां लगा ही नहीं सकते, हमें यहां लगाना पड़ेगा 5 वैलेंसी। तो ये हमारा पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये हमारा यहां आएगा। तो आप सभी बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है, आपको बताना चाहिए कि सर उस कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम वापस वही हो गए जहां से हम स्टार्ट किया था। तो क्या ये वाला पार्ट भी रेजोनेंस में ले सकता है? हाँ, या तो ये लेगा या ये लेगा। तो इस जगह जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? क्रॉस रेजोनेंस। सही है। तो अगली बार ये इस तरफ आएगा, फिर ये इस तरफ आएगा, तो आपके पास रेजोनेंस किस तरह से बनेगा इसके अंदर? यहां -10 और 10+, और डबल बॉन्ड यहां आ गया। सही है। फिर उसके बाद आगे भी रेजोनेंस हो सकता है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? ये तो डबल बॉन्ड है ही, और प्लस चार्ज कहां पर है हमारा? यहां। ये इस तरफ से, समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के हमारे पास पूरा डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हर जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कभी इस जगह, 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 कभी इस जगह। ठीक है। तो नेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपकी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, और वो डॉटेड करती हुई इस तरह से बनेगी। आपके दिमाग में हो रहा है सर उल्टा भी तो ले जा सकते थे? हाँ, ले जा सकते थे। तो इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए तैयार है, इस तरह से, फिर बैक। तो जितनी इस तरह से गई है उसकी डबल आप उल्टा ले लो। उल्टा का मतलब ये वाला पाई बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह मुंह करता और ये इस तरह मुंह करता, समझ में आ रही है बात? तो सपोज यहां पर 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बन रही है, तो टोटल कितनी बन जाएगी आपको उल्टा? 10। ठीक है, ये आपके पास रहा। लेकिन अभी हमारा काम चल गया कि हमें हाइब्रिड भी बना दिया हमने, तो इससे क्या पता चलता है कि क्या हम हाइब्रिड डायरेक्ट बना सकते थे? हाँ, हम हाइब्रिड डायरेक्ट कैसे बनाते? जितने भी पाई बॉन्ड है उनको डॉटेड करते हुए हम पूरी जगह अगर बना देंगे तो हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। यानी बच्चे को कई बार हाइब्रिड ही बनाना होता है, तो वो क्या करता है, देख लेता है जितने भी sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं उनको सब जगह वो क्या करता है, चला जाता है, डॉटेड कर जाता है। यस और नो? ये एक और एग्जाम्पल है, और हमारे पास इस तरह से कुछ दिया हुआ है, और खास बात क्या है कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कर रहा हूं मैं अब, ठीक है ना? तो ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं, तो मान लीजिए PY पे बना हुआ, ये PY पे, ये PY पे, ये PY पे, और वो कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड? PZ पे। दो PY पे तो हो ही नहीं सकते, तो वो वाला पार्टिसिपेट करेगा क्या एक पाई बॉन्ड? नहीं। जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा हम सबका मानना है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? तो जब एक से ज्यादा आपके पास पाई बॉन्ड हो तो केवल एक ही को पार्टिसिपेट आप कराएंगे। इज दैट क्लियर? तो जब आप एक ही को कराएंगे तो आपका ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से चलेगा, और ये डॉटेड करता हुआ एक एक करके आप करा दीजिए। देखिए मैं इस बार इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ये यहां गया, ये इस तरफ गया, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो जब ये यहां गया है तो यहां क्या चार्जेस आएगा सोच के देखिए, प्लस, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, और यहां क्या आएगा? माइनस। फिर
ये वाला माइनस इस तरफ गया तो ये वाला यहां जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और यहां माइनस आएगा, सही है? फिर वापस बैक टू पेवेलियन करके वहां पहुंच जाएंगे हम। यहां ट्रिपल बॉन्ड हमारा कंटिन्यू है, अब रेजोनेंस में इधर से करा रहा हूं और इस तरफ के लिए करा रहा हूं, इस तरफ के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, और यहां माइनस चार्ज आएगा। समझ में आता रहे ना आपको? और अब ये माइनस हमारे पास जो इस कार्बन पे है वो इस कार्बन पे जाएगा और ये इस तरफ आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट वापिस हम इसको बैक टू पेवेलियन करेंगे तो वापिस ये वैसे ही बन जाएगा जैसा स्टार्ट हुआ था। कोई मुझसे कहता है इसका हाइब्रिड बनाओ, तो इसका हाइब्रिड कैसा होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। तो जो कर रहा है उसको तो डॉटेड में ले लेंगे और जो नहीं कर रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ रहा है? और अब डॉटेड बनाना शुरू करेंगे, तो ये डॉटेड 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 डॉटेड, और ये हम इस तरह से बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, आसान है हाइब्रिड बनाना। कहीं कोई दिक्कत आई आपको हाइब्रिड बनाने में? तो ये हमने इसका हाइब्रिड बना दिया फर्स्ट एंड सेकंड का। या सुनो, थर्ड का हाइब्रिड आप बनाओ जल्दी से, आप ही बनाइए मेरे से पहले। ये पाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं इस पाई बॉन्ड को यहां लाया, इसको यहां लाया, फिर दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड को मैं यहां लेके आया हूं, ये इस तरफ लेके आया हूं, यहां माइनस, यहां कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, फिर ये माइनस को इस तरफ लेके गया हूं, ये इस तरफ आया है। अब आगे ये माइनस इस तरफ और ये इस तरफ, ये हमारे पास बन चुका है, ठीक है? अब आगे भी जा सकता है और जब मैं ये इसको यहां ले रहा हूं तो ये इस तरफ जाएगा,
तो इस तरह से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जो कि बहुत इजी है, कोई ज़्यादा खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपसे मुझ कोई पूछता है तो आप कैसे बनाएंगे? डॉटेड 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 डॉटेड, इस तरह से आप बना सकते हैं हर जगह, क्योंकि आपको हर पोजीशन पे कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, अब क्या हम हाइब्रिड डायरेक्ट बना सकते हैं? हाँ, तो हाइब्रिड बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहां पर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जगह हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख देता तो आप वही चीजों का ध्यान रखते कि जहां तक एसपी टू हाइब्रिडाइज है उन सबको डॉटेड करते चलते और बहुत आसानी से बन जाता। तो सिर्फ हाइब्रिड बनाना है डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि कितना अच्छा आप हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है, इसका हाइब्रिड बनाइए। इन सबके हाइब्रिड आपको जल्दी जल्दी बनाने। मैंने 8 एग्जाम्पल दिए हैं, इनके हाइब्रिड बनाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे बनाएंगे? पाले का हाइब्रिड फास्ट, आप ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो एज इट इज लिख दीजिए, बाकी के बॉन्ड का रेजोनेंस करा दीजिए। तो ये क्या एसपी टू है कंटिन्यू? हाँ कंटिन्यू, जहां तक एसपी टू है डॉटेड चलते रहने दीजिए। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ अगर आप यहां देख रहे हैं तो जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां एक बॉन्ड बना दीजिए पहले से ही, और जहां तक आपको एसपी टू हाइब्रिडाइज दिखे वहां तक आप चालू करें। एसपी थ्री हाइब्रिडाइज को मत लेके जाना। ठीक है, ऊपर मत ले जाना क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दिख रहा है आपको? उस पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब वो sp3 है। अब आप इसका हाइब्रिड बना रहे तो डॉटेड, क्या यहां sp3 बीच में ही आ गया? हाँ, तो इसका मतलब ये दो पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, एक ये वाला पाई बॉन्ड एक ये पाई बॉन्ड। तो इसमें कहां तक आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा? डॉटेड 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 डॉटेड, सिर्फ इतने से पार्ट में। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इन दिस स्ट्रक्चर? आंसर गोज टू वन और टू, टू वन एंड टू, क्योंकि बीच में sp3 आ गया तो ये अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।
आपको क्या लगता है इसमें कितने पाई बॉन्ड, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्या नहीं होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में sp3 आ गया, तब बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होगा। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, कोई किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, नो रेजोनेंस। इफैक्ट आ रही है बात समझ में? तो टफ है क्या ये? नहीं है, अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये हमारा इसका हाइब्रिड बनेगा, पूरा रेजोनेंस हो जाएगा बेंजीन रिंग के वाले अंदर, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और क्या यहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा कंटिन्यू? हाँ, क्योंकि सब कॉन्जुगेशन में, सारे sp2 है। कोई भी कार्बन आपको बीच में sp3 दिखाई दे रहा है क्या? देख लो, आप आराम से बनाइए। यहां आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीच में sp3 आ गया तो ये तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर sp sp sp2 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 sp3, तो जहां तक आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सपांशन कर देता हूं मैं। मुझे तो सारे sp2 दिख रहे हैं पूरे, तो इस कंडीशन में ये हमारा आंसर होगा, जो कि बहुत इजी है। लिखें इसको,